हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आप सबके रिम्पी मैम आज फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मोटिव था आप लोगों का फ्यूचर, क्योंकि जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, मेनली हरियाणा के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। और वीडियो को पूरा देखना, आपके बिल्कुल ऐसे समझ आ जाएगा कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या हमारे आइडियाज़ रहेंगे फ्यूचर के लिए। ओके, तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो को। तो बच्चों, सपोज करो हम 10th क्लास में हैं और एक क्वेश्चन जनरेट करो कि 10th के बाद हम करेंगे क्या, क्योंकि सारे बच्चों के सपने होते हैं 10th के बाद। कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर, कोई IAS IPS, अलग अलग सपने हैं सबके। तो उन सपनों के पीछे भागेंगे तो जरूर 11th 12th, है ना, 11th में होते ही भागना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस भी बच्चे को MBBS डॉक्टर बनना है, सबसे पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं MBBS डॉक्टर का। तो MBBS डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो हमें 11th क्लास में मेडिकल लेना पड़ेगा। हमने मेडिकल ले ली, हम लोग तैयारी करने के लिए कोटा, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, कोचिंग के लिए। तो कोचिंग के लिए गए तो फीस स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं आप लोगों को। 11th में आप लोगों की फ़ीस लगेगी 1 लाख रुपये, कोचिंग की 1 से 1.5 लाख रुपये के बीच में फ़ीस होती है। हम मिनिमम 1 लाख रुपये लेके चल रहे हैं। तो आपने 1 लाख रुपये फीस के भर दिए, 1.5 लाख उसके ऊपर खर्चा आएगा आपका, हॉस्टल में रहने का, खाने पीने का 1.5 से 2 आएगा, यानी कि 3 लाख रुपये आपके 11th के लग गए, 3 लाख रुपये आपके 12th के लग गए। ओके, तो 12th हो गई आपकी। और हम बुरा क्यों सोचे, हम ऐसे ही सोचेंगे कि हम लोग तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से कोटा गए थे या दिल्ली गए थे, तो हमारा तो सिलेक्शन होना पक्का ही है। तो 12th के साथ आप हो गए सेलेक्ट, आपको मिल गया रोहतक PGIMS कॉलेज, बहुत बढ़िया कॉलेज है MBBS के लिए। तो हरियाणा की रणनीति बताती हूँ मैं आप लोगों को। हरियाणा में 1 साल के 10 लाख रुपए फीस है MBBS की, यानी कि आप लोगों ने लोन करवा लिया, लोन करवा के फीस पे कर दी, और जब तक आपकी MBBS होगी तब तक 40 लाख रुपए और लोन का अमाउंट मिला के मतलब 60 लाख रुपए आप लोगों के लग चुके होंगे, प्लस आपने कोचिंग पे और 5-6 लाख रुपए पहले लगाए थे। तो यानी कि ये स्ट्रेटजी क्या है, आपको कर्जे के नीचे दबाने की है। और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग अगर कोई किसी बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो गवर्नमेंट उसे पैसा देगा। अब ये बताओ, अगर 100 बच्चों ने MBBS की कोचिंग मतलब MBBS की डिग्री ली उस साल, तो 100 बच्चों में से कितनों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? 3 को 4 को 5 को 10 को, सबको तो नहीं मिलेगी। तो बाकी कहाँ जाएंगे? जब तक आप लोग इस एबल होगे कि आप लोगों ने अच्छे कॉलेज से आपकी डिग्री कर ली और आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो PG वगैरह करके, तो कितना कर्जे में डूब जाओगे सोच सकते हो? आपके कितने साल लग जाएंगे उस कर्जे को पाड़ने के लिए, यानी कि आपसे कर्जा ही नहीं पटेगा। वो कर्जे में डूबे हुए हो, उस कर्जे को भरने में ही आपके इतने साल लग रहे हैं। वैसे ही MBBS बनते बनते बुढ़ापा आ जाता है बच्चे का, है ना। अगर 12th के साथ सेलेक्ट होता तब बताया मैंने इतना खर्चा, 1 करोड़ के आसपास लग गया, इतना खर्चा मैंने तब बताया जब आपको क्या करना है, 12th के साथ सेलेक्ट होना है। अगर 12th के साथ सेलेक्ट नहीं हुए, 1-2 ड्रॉप करने हैं, तो वो 5-6 लाख रुपए और एक्स्ट्रा हो गए, समझ आ गई इतनी। और अगर आप लोग क्या करते हो, नॉन मेडिकल ट्राई करते हो कि हमें नहीं, हम तो मेडिकल नहीं करेंगे, हमें तो IITN बनना है, तो कोई बहुत बढ़िया बात है, वही खर्चा वही आएगा, 1.5 लाख रुपए फीस हो जाएगी और 1.5-2 लाख रुपए उसके ऊपर, यानी कि 6 लाख रुपए तो हमारा खर्चा होगा 12th के साथ हम सेलेक्ट हो गए। तो 12th के साथ सेलेक्ट होने के बाद अगर आपको बेस्ट ब्रांच मिलती है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, तो बेस्ट है। अगर आपको ये ब्रांचेज नहीं मिलती तो आप लोगों को किसी छोटे कॉलेज से NIT वगैरह से करनी पड़ेगी। आप लोगों ने डिग्री की NIT से, किसी छोटे कॉलेज से, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी ना, आपको इतना पैकेज मिलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन तो कट कर ही दो कि किसी छोटे कॉलेज से कर लेंगे, तो उतना पैकेज मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। अब उसके बाद बात आती है SSC CGL वगैरह की। इसमें आप लोग 12th करोगे, BA करोगे, BA करने के बाद साथ साथ कोचिंग लेनी पड़ेगी, वही कोचिंगों में धक्के तो वही खाने पड़ेंगे ना। और अब मैं एक ऐसे फील्ड की बात करने जा रही हूँ जिसके आजकल आप लोगों के सामने कोई नहीं करता होगा, क्योंकि हरियाणा के बच्चे स्पेशली, हरियाणा के बच्चों के लिए है, तो ध्यान से सुनना। हमारे हरियाणा में हिसार के अंदर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पता है आप सबको,
एग्रीकल्चर की बेस्ट, एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी अपने हरियाणा के अंदर है। तो ये अपॉर्चुनिटी है ना, इसको देखो, कहाँ 1 करोड़ के पीछे भाग रहे हो कि 1 करोड़ के कर्जे के नीचे हमें दब के मरना है, और कहाँ ये एग्रीकल्चर जिसमें आप लोगों की पर सेमेस्टर फीस होगी सिर्फ 6700 रुपये, यानी कि सिर्फ 7000 से भी कम, 7000 पर सेमेस्टर से भी कम फीस है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इतनी इतने पैकेजों के पीछे, इतने लोनों के पीछे आप भाग रहे हो सिर्फ एक MBBS की वो करने के लिए, ताकि आपकी पूरी उम्र वो कर्जा उखाड़ने में ही चली जाए, है ना। तो अपने पेरेंट्स के सपने कब पूरे करोगे बताओ, वो कर्जा ही नहीं उतरेगा। तो हरियाणा की रणनीति तो देखो सरकार की। तो हरियाणा के बच्चों के लिए स्पेशली मेरे लिए मेरे को अनाउंसमेंट करनी थी कि आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। उसमें आप लोग जो इंडिया की बेस्ट एग्रीकल्चर की फैकल्टी है रिम्पी मैम, उससे पढ़ोगे। क्योंकि आप लोगों को पिछली वीडियो देखी होंगी, आप लोगों ने रिम्पी मैम कैसे पढ़ाती हैं देख लिया होगा ना। एग्रीकल्चर में बेस्ट हैं, ट्रिक्स के साथ साथ एग्रीकल्चर को टिप्स पर करवा देती हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर आप एक बार स्कोप देखो, कितने ब्रॉड स्कोप मिलेंगे आप लोगों को एग्रीकल्चर के अंदर। तो गाइस, आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग किसी फील्ड को चूज करना चाहते हो तो पहले उसके स्कोप देखो, उसके ऊपर टोटल जितना भी खर्चा लगेगा वो देखो। क्योंकि एग्रीकल्चर की अगर आप लोगों को स्कोप जानने हैं तो हजारों स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में भी इतने सारे स्कोप हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इतने स्कोप हैं। और अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली HAU से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो फॉरेन जाने के बहुत सारे स्कोप हैं, बाहर की कंपनियां आपको पैकेज दे के ही ले जाएंगी, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे आप शेयर कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, या यहाँ से बच्चे भी सीधा जाते हैं वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करने, तो गाइस बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप लोगों को टोटल सारे स्कोप के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर रहेगी। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट यही था कि 1 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और उस बैच के अंदर आप लोगों को एग्रीकल्चर करवाई जाएगी और 10th क्लास की साइंस करवाई जाएगी। 10th क्लास की साइंस की आप लोगों की वैसे ही प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि आप लोग करोगे इस एग्रीकल्चर के जो BSc एग्री ऑनर एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम होता है 10th क्लास के बाद, आपको इसकी तैयारी करनी है। तो इसकी तैयारी के अंदर आता है आप लोगों का जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है और एक होता है साइंस सब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चर की तैयारी तो आप लोगों की रिम्पी मैम करवाएंगी और साइंस की तैयारी करवाएंगे सुमित सर। तो साइंस की तैयारी में बच्चों आप लोगों की 10th क्लास की जो साइंस है वही आती है, और वो पूरी आप लोगों की जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है आपके बोर्ड एग्जाम 4 मई से होंगे, तो 4 मई से एग्जाम है और उसके बाद जुलाई में आपका पेपर होता है ये, तो आप लोगों को कितना टाइम मिलेगा, 1 महीने का टाइम मिलेगा। 1 महीने में क्या कर लोगे, जून जून में कुछ कोई तैयारी नहीं होने वाली। इसीलिए मैं आप लोगों को अभी से सलाह दे रही हूँ कि 1 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उज्ज्वल कैरियर इंस्टीट्यूट का, आप लोगों को उसको ज्वाइन करना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, आपकी बोर्ड की तैयारी भी हो रही है, प्लस एग्रीकल्चर के एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी हो रही है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी है ये तो आप लोगों के लिए। सो गाइस, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, जो सक्सेस मास्टर ऐप है वो उज्ज्वल कैरियर इंस्टीट्यूट का ही ऐप है। तो उस ऐप को आप लोगों को डाउनलोड करना है और सर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, सर से कॉन्टैक्ट करना है कि सर हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम उज्ज्वल के साथ जुड़ना चाहते हैं, 1 फरवरी से हम भी जमकर तैयारी करेंगे जैसे और बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है 10 दिसंबर से भी बैच स्टार्ट हुआ था, उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे आए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और जम के लगे हुए हैं तैयारी करने, तो उन बच्चों के साथ ही आप लोगों को लगना है ना। तो 1 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है गाइज, उसको ज्वाइन करो, आप लोगों का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।